भाई दूसरी पार्टियों के नेता रोज कहते हैं बाप बेटा बाप बेटा, उन्हें ये नहीं पता जो काम करने वाला होता है उसे जनता चाहती है। चौधरी देवीलाल जैसे बहुत बड़ी शख्सियत, उनको भी तीन तीन बार हराने का अगर किसी का रिकॉर्ड है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 46 साल की उम्र में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का है। दोस्तों नमस्कार, लोकसभा चुनाव के बाद अब हरियाणा के अंदर विधानसभा चुनाव की तैयारी है। विधानसभा चुनाव को लेकर सभी पार्टियां अपने पूरे जोर लगा रही हैं, खासकर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी के लिए ये चुनाव जो यानी कि 2024 का विधानसभा चुनाव है ये अगला बहुत कुछ तय करने वाला है। आने वाली हरियाणा की राजनीति कैसी होगी, हरियाणा के अंदर कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी का भविष्य कैसा रहेगा, हरियाणा के अंदर सरकार कैसे चलेगी, ये तमाम बातें तय होंगी इस विधानसभा चुनाव से। और विधानसभा चुनाव को जीतने के लिए, क्योंकि लोकसभा चुनाव के अंदर हरियाणा की जनता ने जिस प्रकार का चुनाव परिणाम दिया वो भले ही कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों के लिए कुछ थोड़ा बहुत तो फील गुड कराने वाला हो, लेकिन ये जरूर है कि दोनों ही पार्टियों के लिए बहुत गहरा गंभीर मंथन भी है। और सबसे बड़ी बात यह कि दोनों ही पार्टियां अपना कुनबा बड़ा करने में भी लगी हैं। एक तरफ जहां भारतीय जनता पार्टी के अंदर नेताओं की एंट्री के लिए दरवाजे खोले हुए हैं, तलाशे जा रहे हैं कि कौन सी पार्टियों से नेता आ सकते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के अंदर भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जगह जगह घूम घूम करके भी लोगों को अपनी पार्टी की तरफ आकर्षित कर रहे हैं। एक तरफ जहां अमित शाह कल यानी कि शनिवार को पंचकुला के अंदर, पंचकुला का जो ताऊ देवीलाल स्टेडियम है वहां पर अपने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र देंगे, तो फिर हरियाणा के अंदर भूपेंद्र सिंह हुड्डा और चौधरी उदय भान की जोड़ी हर जिले के अंदर कार्यकर्ता सम्मेलन के नाम पर लोगों को इकट्ठा कर रही है, अपने कार्यकर्ताओं को संजीवनी दे रही है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा और उदय भान और कांग्रेस का कार्यकर्ता सम्मेलन लेने के लिए फरीदाबाद में थे, और इन सब के बीच में चाहे वो दर्शक हैं और चाहे वो राजनीति में रुचि रखने वाले एनालाइज करने वाले लोग, उनकी नज़रें हैं तमाम विधानसभा क्षेत्रों पर भी क्या कहाँ क्या हो सकता है। और हम भी लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आपसे बता रहे हैं और हम भी लगातार आपसे बात कर रहे हैं, आपको बता रहे हैं कि विधानसभा क्षेत्रों में कहाँ की क्या स्थिति है। मैंने आपसे पिछले दिनों में पलवल विधानसभा को लेकर के, इसके साथ साथ अधीन विधानसभा को लेकर के, फरीदाबाद को लेकर के आपसे बात की। आज मैं आपसे बात करने चला हूँ प्रथला विधानसभा क्षेत्र कर। प्रथला विधानसभा की बात मैं आपसे दो अलग अलग वीडियो में करूँगा। इस वीडियो में मैं आपसे बात करूँगा प्रथला विधानसभा क्षेत्र से कांग्रेस पार्टी को लेकर के। पूरे हरियाणा के अंदर कांग्रेस पार्टी अपने दम पर और इंडिया गठबंधन अगर साथ जोड़ ले तो फिर 46 और नहीं तो कांग्रेस 43 विधानसभा सीटों पर आगे रही, और जिन 43 विधानसभा सीटों पर हरियाणा में कांग्रेस आगे रही उनमें एक विधानसभा सीट प्रथला भी है। प्रथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर कांग्रेस के जो सबसे बड़े झंडा बरदार हैं वो हैं रघुवीर सिंह तेवतिया, यहाँ से 2009 के विधायक बने। आगे बढ़ने से पहले आपको एक मिनट के अंदर प्रथला की भौगोलिक परिस्थिति और प्रथला का पॉलिटिकल सिनेरियो बता दूं कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र 2009 में अस्तित्व में आया, हालांकि 2007 के परिसीमन में अस्तित्व में आया और 2009 में यहां पहला चुनाव हुआ। 2009 के पहले चुनाव में प्रथला से विधायक बने रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस के टिकट पर, और 2014 में प्रथला से विधायक बने टेकचंद शर्मा बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर, और तीसरी बार प्रथला से विधायक बने 2019 में नयनपाल रावत बने निर्दलीय विधायक, समर्थन दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी को। यानी कि प्रथला विधानसभा क्षेत्र तीनों चुनाव के दौरान 2009, 14, 19 जिस पार्टी की सत्ता हुई उस पार्टी के साथ रहा। रघुवीर सिंह तेवतिया थे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हरियाणा के मुख्यमंत्री थे। टेकचंद शर्मा बीएसपी से विधायक बने तो उन्होंने समर्थन दिया मनोहर लाल की सरकार को, और अब जब नयनपाल रावत निर्दलीय विधायक बने तो उन्होंने भी समर्थन दिया भारतीय जनता पार्टी मनोहर लाल की सरकार को। आपको बता दूं प्रथला विधानसभा क्षेत्र कंप्लीट रूरल विधानसभा क्षेत्र है। पलवल और फरीदाबाद
दोनों जिलों से मिलकर के विधानसभा क्षेत्र बना है। पलवल के जो विधानसभा सीट थी उसके लगभग 28-30 गांव प्रथला विधानसभा में आते हैं और बाकी विधानसभा क्षेत्र के गांव बल्लभगढ़ के हैं जो प्रथला विधानसभा में जुड़ते हैं, और इस लिहाज से ये नई सीट बनी थी। अब मैं आपको बता दूं कि प्रथला का कांग्रेस का सिनेरियो क्या है। तीनों विधानसभा चुनाव के अंदर प्रथला का टिकट जो मिला वो रघुवीर सिंह तेवतिया को ही मिला। रघुवीर सिंह तेवतिया भूपेंद्र सिंह हुड्डा के बहुत खासम खास हैं, उनके परिवार के सदस्य माने जाते हैं, और इस विधानसभा क्षेत्र यानी कि प्रथला के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया भले ही चुनाव तो एक ही जीते लेकिन उनका जो सिक्का जमा कांग्रेस के अंदर भी और प्रथला विधानसभा में भी वो ठीक ठाक जमा। 2019 का चुनाव वो हारे और 2024 का चुनाव भी वो ठीक ठाक अंतर से हार गए। 2014 का विधानसभा चुनाव वो हारे और 2019 का विधानसभा चुनाव भी हारे, और 2024 में भी दावेदारी प्रथला के अंदर रघुवीर सिंह तेवतिया की ही है। अगर इस लोकसभा चुनाव की बात मैं आपसे करूं कि जो लोकसभा चुनाव 2024 का हुआ, इस लोकसभा चुनाव के अंदर कांग्रेस के जो महेंद्र प्रताप कैंडिडेट थे उनका सारा दारोमदार रघुवीर सिंह तेवतिया पर था। हालांकि यहां पर कांग्रेस के टिकट मांगने वाले नेता और भी हैं, राकेश तंवर हैं प्रथला के, कुमारी शैलजा गुट के हैं, इनके साथ साथ यहां पर सतवीर डागर हैं वो भी कांग्रेस की टिकट मांगते हैं, कुमारी शैलजा गुट से हैं वो भी। तीसरे कैंडिडेट हेम डागर भी हैं, वो भी अपना दावा करते हैं। दावा कितना मजबूत होगा नहीं होगा ये बात की बात है, लेकिन दावेदारी जरूर करते हैं। लेकिन इसके साथ साथ ये बात जरूर है दोस्तों, ये बात जरूर है कि ये सभी नेता लोकसभा चुनाव के दौरान में कहीं ना कहीं किनारा किए रहे। सतवीर सिंह डागर तो जहां सिरसा चुनाव प्रचार करने चले गए, वहीं राकेश तंवर भी क्योंकि कुमारी शैलजा के बहुत नज़दीक हैं उन्होंने भी सिरसा के अंदर ही अपना अधिकांश समय बिताया। और अगर माने तो महेंद्र प्रताप के लिए कांग्रेस के लिए जो काम करने वाले नेता थे वो अकेले रघुवीर सिंह तेवतिया थे। वैसे भी रघुवीर सिंह तेवतिया को पंचायती नेता कहा जाता है और बड़े कद वाले हैं, वो हाइट में कद में ऊंचे कद में है, इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं। और आज जब वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा के कार्यकर्ता सम्मेलन में थे तो उन्होंने उस कार्यकर्ता सम्मेलन के अंदर भी अपने संबोधन से ये एहसास करवाने की कोशिश की कि वे हुड्डा के बहुत नज़दीक हैं, हुड्डा परिवार के बहुत खासम खास माने जाते हैं। उनका संबोधन कुछ ऐसा था कि उन्होंने, हालांकि और भी तमाम वक्ता बोले, प्रथला जो कार्यकर्ता सम्मेलन था इसके अंदर और भी कांग्रेस के तमाम नेता बोले, लेकिन रघुवीर सिंह तेवतिया का जो संबोधन था वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के जो आरोप और उनके जो बाण चल रहे हैं वो उनका जवाब था। आपको ध्यान होगा रोहतक के कार्यकर्ता सम्मेलन में भारतीय जनता पार्टी के जो हरियाणा के सह प्रभारी चुनाव बने हैं विप्लव कुमार देव, उन्होंने भूपेंद्र सिंह हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा को निशाने पर लिया था और बापू बेटा कह करके कई व्यंग्य बाण छोड़े थे। नायब सिंह सैनी से लेके और मनोहर लाल तक तमाम नेता भूपेंद्र हुड्डा और दीपेंद्र हुड्डा पर बापू बेटे के नाम से व्यंग्य बाण छोड़ते हैं। तो आज रघुवीर सिंह तेवतिया ने उनको जवाब दिया कि कद्र और पूछ उनकी होती है जिनकी जमीन होती है। आप एक बार रघुवीर सिंह तेवतिया का संबोधन भी सुने। भाई दूसरी पार्टियों के नेता रोज कहते हैं बाप बेटा बाप बेटा, उन्हें ये नहीं पता जो काम करने वाला होता है उसे जनता चाहती है। आदरणीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी ऐसे खानदान से ताल्लुक रखते हैं जिनके दादाजी स्वर्गीय श्री मातुबाम जी, उन्होंने इस देश की राजनीति में सहयोग दिया, आजादी में सहयोग दिया। इसी तरह इनके पिता श्री स्वर्गीय श्री रणवीर सिंह हुड्डा जी जो 7-7 सदनों के सदस्य रहने का उन्हें गौरव प्राप्त है, और इसी तरह चौधरी देवीलाल जैसे बहुत बड़ी शख्सियत उनको भी 3-3 बार हराने का अगर किसी का रिकॉर्ड है वो चौधरी भूपेंद्र हुड्डा है। कोई ना कोई खासियत होती है जब ही जनता बनाती है 3-3 बार। और इसी तरह जिनके बारे में रोज अखबारों में आती है चौधरी दीपेंद्र हुड्डा जी 46 साल की उम्र में 5 बार लोकसभा का चुनाव जीतने का और हरियाणा में सबसे ज्यादा वोटों का रिकॉर्ड चौधरी दीपेंद्र हुड्डा का है। और जो युवा पीढ़ी है हरियाणा की जनता आने वाले समय में, भाई पहले तो बनाओ हमारे हुड्डा साहब बनेंगे मुख्यमंत्री, पर भाई आने वाले समय में
वो भी हरियाणा का भविष्य है। लाखों लोग हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र हुड्डा को चाहते हैं, तो विपक्ष के लोग रोजाना उनका नाम लेते हैं, लोग उसी का नाम लेते हैं जिसकी जरूरत होती है, जिसे लोग चाहते हैं, नाम उसी का होता जो कुछ होता है। तो भाई दीपेंद्र हुड्डा भी इतने लोकप्रिय हैं, वे हरियाणा में नहीं युवाओं के देश के नेता हैं। और हरियाणा में ऐसे हमारे जो दोनों नेता बैठे हैं, वही उनकी जो नेता हमारे उनकी नीति और भाई उनके नेक नियत, ईमानदारी और उनके काम करने का जज्बा आपके सामने है। तो मैं आपको जो बता रहा हूं कि रघुवीर सिंह तेवतिया कदमे ऊंचे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा के खासम खास हैं। तीसरी बात यह हुई कि उन्होंने इस विधान लोकसभा चुनाव के दौरान में, जबकि महेंद्र प्रताप जी लोकसभा का चुनाव हार गए, लेकिन पृथला विधानसभा में चुनावी जीत दिला करके और उसमें भी रघुवीर सिंह तेवतिया का अकेला अपना सर्वस्व योगदान उनका माना जा सकता है। उन्होंने ये साबित भी कर दिया कि उनका जनाधार भी पूरा पहले के मुकाबले और बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और अब बात आती है टिकट के लिए कि पृथला का कैंडिडेट कौन हो सकता है, और खासकर कांग्रेस पार्टी से। कांग्रेस के अंदर भले ही लोग ये कहें कि जो लोग दो बार चुनाव हार चुके हों उनके लिए कांग्रेस की कोई ऐसी पॉलिसी है, लेकिन किसी भी पार्टी के अंदर ऐसा कोई नियमित मापदंड नहीं हुआ करता। किसी भी पार्टी के अंदर ऐसा कोई नियत तय फॉर्मूला नहीं है कि इस फॉर्मूले पर ही काम किया जाएगा, क्योंकि भले ही चुनाव दो बार हारे तो लगातार दो बार उस दौरान में हरियाणा के अंदर सरकार भी कांग्रेस की नहीं बनी, भारतीय जनता पार्टी का अच्छी हवा थी। अगर आप माने तो 2014 के अंदर तो कांग्रेस की स्थिति बहुत खराब हुई, और 2019 के अंदर भी फरीदाबाद लोकसभा के अंदर मात्र कांग्रेस को एक ही विधानसभा की सीट मिली, फरीदाबाद एनआईटी की। इन सब को देखते हुए जब बात ये आती है कि अगर वो दो विधानसभा चुनाव हार गए थे तो उस समय पार्टी की स्थिति क्या थी, नज़र इस पर भी जाती है। अब आ जाती है दूसरी बात कि पार्टी के लिए काम करने वाले लोग कौन है। तो लोकसभा चुनाव में मैंने आपको बताया कि भले ही कितने ही दावेदार हों, लेकिन रघुवीर सिंह तेवतिया का जो पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर महेंद्र प्रताप सिंह कांग्रेस कैंडिडेट और कांग्रेस पार्टी के लिए जो योगदान था उसको नकारा नहीं जा सकता। एक इकलौते वो रघुवीर सिंह तेवतिया के पास ही पूरी कमान थी। अब आती है उसके अंदर अगर आगे चलें तो फिर आगे ये आता है कि एक बात तो मैंने आपको बताई कि दो बार चुनाव हारने वाली बात, दूसरी बात मैंने आपको बताया कि पार्टी ये भी देखती है किसने कितना काम किया। दो बार चुनाव कांग्रेस भी हार गई थी, और अगर काम पे बात आती है तो रघुवीर सिंह तेवतिया का उसके अंदर कोई सानी नहीं है, चाहे वो 2019 का लोकसभा चुनाव हो चाहे वो 2024 का लोकसभा चुनाव हो। और अब बात आ जाती है अंतिम बात जब चलते हैं तो उस बात पर भी जाया जाएगा कि पार्टी के अंदर ये भी देखा जाता है जब टिकट वितरण होता है तो जीत की गारंटी किसकी है, कौन आदमी ऐसा है जो सही मुकाबला दे सकता है। तो अगर आज आप पृथला विधानसभा क्षेत्र के अंदर चारों तरफ निगाह दौड़ा लें तो पृथला के अंदर नेता के नाम पर भी अगर देखें तमाम नेता, भाई कौन नेता प्रभावशाली हो सकते हैं, तो उसके अंदर तीन नाम आते हैं, वही तीनों नाम जो लगातार यहां भिड़ंत कर रहे हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया, टेकचंद शर्मा और नैनपाल रावत। तीनों विधायक बन चुके हैं, तीनों, अगर नैनपाल रावत का कहें तो नैनपाल भी चुनाव लड़ चुके हैं तीन बार, टेकचंद शर्मा दो चुनाव लड़ चुके हैं, रघुवीर सिंह तेवतिया तीन चुनाव लड़ चुके हैं। बाकी और भी कितने ही नाम हों, लेकिन अगर प्रभावशाली की बात आ जाती है तो फिर ये तीन नाम सामने आते हैं। और अगर कांग्रेस के अंदर प्रभावशाली कैंडिडेट की बात आती है तो फिर वहीं जो सुई टिकती है वो आकर टिकती है रघुवीर सिंह तेवतिया पर। इस लिहाज से आप ये मान करके चलें कि पृथला विधानसभा क्षेत्र के लिए, क्योंकि सारी जो बातें हैं वो रघुवीर सिंह तेवतिया के पॉजिटिव जाती हैं, और इस सब को देखते हुए अगर ये कहा जाए कि रघुवीर सिंह तेवतिया को ही पृथला विधानसभा का टिकट भी मिल सकता है, हुड्डा के क्लोज हैं, अपनी कार्यशैली दिखा चुके हैं, पृथला के अंदर पार्टी के पास यानी कि कांग्रेस के पास कोई बहुत ज़्यादा सब्स्टिट्यूट भी नहीं है, इस लिहाज से कई मायनों में रघुवीर सिंह तेवतिया खड़े उतरते हैं। वैसे आपको क्या लगता है, जो हमारे फरीदाबाद पलवल के दर्शक हैं, आपको क्या लगता है कि पृथला विधानसभा क्षेत्र में अब की बार चुनावी रण कैसा होगा? जो हमने बताया आपको कि पृथला विधानसभा के तीन चेहरे, क्या इन्हीं चेहरों में भी चुनाव रहेगा या फिर कुछ नया हो सकता है?
और आपको क्या लगता है, रघुवीर सिंह तेवतिया कांग्रेस प्रत्याशी के तौर पर कितने प्रभावी रह सकते हैं, कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।